हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जिया 26। मेरे चैनल जिया 26 में आपका स्वागत है। और इस समय हो रहा है 4:55 हो रहा है और मैं योगा करने छत पर आ चुकी हूँ और अब योगा स्टार्ट होगा। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि पीछे दिन कुछ ज़्यादा निकल आया है, रोज़ अंधेरा रहता था, आज कुछ रोशनी ज़्यादा हो गई है। तो मैं एक बार कंफ्यूज हो गई कि टाइम मैंने गलत देख लिया क्या, बट टाइम मैंने सही देखा था, लेकिन आज रोशनी है ही ज़्यादा। तो चलते हैं, योगा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको आगे वीडियो में आज आप लोग के लिए क्या है और आज मैंने अपना डे कैसे कंप्लीट किया, मिरेकल मॉर्निंग कैसे कंप्लीट किया आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिरेकल मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आज की भी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ आप लोग को बताने कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गई है। और आज जो है दिन रोशनी कुछ ज़्यादा हो गई है और सूर्योदय ऐसे लग रहा है कि जल्दी हुआ है, या फिर हो सकता है कि आज बादल साफ़ है इसलिए सूर्य देवता के दर्शन हो गए इस टाइम। अभी 6:30 नहीं बजा है और मैं रेडी हूँ और अब मैंने ड्रेसअप भी कर लिया है स्कूल जाने के लिए और सब कुछ कंप्लीट है। अब बस वाटर बॉटल भरनी है और लंच बॉक्स रखना है, इसके बाद में बस जाना है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा फील होता है जब आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह से इम्प्रूवमेंट पता चलता है या होता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो आप एक रूटीन बना लेते हैं 6 स्टेप का, फिर उसके बाद में उस 6 स्टेप्स की कोई प्लानिंग नहीं है, बस हमें ये पता है कि ये 6 स्टेप्स करने हैं। फिर धीरे धीरे आप हर स्टेप की प्लानिंग करते हैं, खुद करते हैं। जब आपको ये हुआ कि हमें योगा करना है 20 मिनट, तो योगा करने आप आ गए तो 20 मिनट कौन कौन से योगा आप 20 मिनट करेंगे, फिर आप वो प्लान करते हैं। फिर आप ये ध्यान देते हैं कि किस बॉडी पार्ट पर मुझे वर्क करना है, फिर आप वहाँ उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। इसी तरह रीडिंग में आप क्या पढ़ना चाहते हैं पहले वो डिसाइड करते हैं, फिर क्या ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते थे उस तरह की बुक्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन में आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में उसको आप एक इमेज बनाते हैं। एफर्मेशन आप लिखना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, फिर आप जब योगा कर रहे हैं हर चीज़ हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो फिर आप खाएं क्या ये प्लान करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये प्लानिंग जो है एक कब एक्सपैंड होने लगती है आपको खुद पता नहीं चलता। और वही मेरे साथ हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं जो न्यू ऐड हुई हैं, जो 5 AM क्लब में शायद मैं ऐड नहीं कर पाई या उस तरह से मैं समझ नहीं पाई, और अब मैं उसको और इस बुक में जो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं उनके हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो कुछ चीज़ें और मैं प्लान कर रही हूँ और चीज़ें मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से ये रूटीन जो है अपने आप एक्सपेंड होता जा रहा है, अपने आप जो है चीज़ें और क्लियर होती जा रही हैं और अच्छी प्लानिंग होती जा रही है। तो लॉजिक है इसमें कि बिना लॉजिक के नहीं है कि हम ये करने लगेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, आप खुद करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि ये कर रहे हैं तो इस तरह से करें, फिर इस तरह से करें, और वो इतना हल्का हल्का चेंज आएगा कि आप खुद महसूस नहीं कर पाएंगे कि मैंने खुद ये चेंज कर लिया, बस स्टार्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, और आज भी 7th डे भी मेरा कम्प्लीट हो गया मिरेकल मॉर्निंग का। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा पसीना ये जो है मॉर्निंग में ही पूरा फेस पसीना पसीना हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे प्रयागराज में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लंच के बाद इस तरह की स्थिति होती है स्कूल में कि उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बच्चे इतने बेहाल हो जाते हैं गर्मी की वजह से और टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं। कोई लाइट की व्यवस्था उस तरह की नहीं रहती है कि हाँ लाइट आ ही रही है, और लाइट आएगी भी तो पंखा चलेगा, वो गरम गरम हवा देता है। और ये वाली जो इस टाइम जो गर्मी है ये
फैन भी रिलीफ नहीं देता, क्योंकि सब सब तरफ धान की खेती हो रखी है और खेतों में पानी भरा है, तो वो भाप वाली हवा जो आती है बहुत परेशान करती है। लेकिन जो काम है वो करना ही है, तो इन परिस्थितियों में भी टीचर्स जो हैं बहुत एफर्ट कर रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं, और मतलब सराहनीय है उनका कार्य, क्योंकि एक अच्छे माहौल में, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के काम करना और एक इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।